हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 26 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि किस देश में बुनियादी ढांचे को सुधारने हेतु भारत ने 30 करोड़ का अनुदान देने से संबंधित एक समझौता किया था। तो ये समझौता हुआ था नेपाल और भारत के बीच में, ठीक है। आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, देश में COVID-19 के कारण 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान आदेशों का पालन न करने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। तो आंसर होगा आपका, यहाँ पे जो आर्टिकल 188 है इसी के तहत ये सजा का प्रावधान है इस 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली जो हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन जो है घोषित किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो लॉकडाउन है वो क्या होता है, ये जानना हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, लॉकडाउन मतलब क्यों होता है, एक प्रशासनिक आदेश, एक आदेश होता है जो गवर्नमेंट जारी करता है। और ये जो लॉकडाउन है इसको एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। जो एपिडेमिक यानी कि जो महामारी रोग अधिनियम 1897 है इसी के तहत जो है इसको लागू किया जाता है लॉकडाउन को, ठीक है। और यह जो है पूरे देश में लागू होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसके रिलेटेड जो लॉकडाउन है, इससे रिलेटेड जो अहम बिंदु है हम देख लेते हैं। देखिए, आदेशों के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले को जो है जो महामारी रोग अधिनियम 1897 है इसके तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और जो भी इसका जो है अगर पालन नहीं करता है इस लॉकडाउन के दौरान कानूनी आदेशों का, तो उसको जो 1860 की धारा 188 है इसके तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। जो भारतीय दंड संहिता 1860 की आर्टिकल 188 है इसी के तहत जो है इसको जो IPC की जो धारा 188 है इसी के तहत जो है इसके तहत दंड दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 है। तो देखिए, मैंने बताया जो महामारी रोग अधिनियम 1897 इसकी धारा 3 अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति का कोई भी मतलब कि आदेश की या फिर कोई भी अवेल ना करता है इस आदेश की, गवर्नमेंट के आदेश की, तो उसको जो है इसके तहत तत्पर दंड दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसको दो प्रकार से मतलब कि आप जो दंड है वो दिए जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो है दिए गए आदेशों की अवज्ञा करने से विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा पहुंचाता है या क्षोभ या क्षति पहुंचाती है तो उससे जो है निश्चित अवधि के लिए कारावास होता है या फिर ₹200 तक का जुर्माना किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे कोई भी मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो उसके लिए निश्चित समय के लिए कारावास और ₹100,000 का जुर्माना या दोनों देने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। तो ये लॉकडाउन के एक जो है क्या है जो सजा है वो इसमें हमने आपको बताई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हंता वायरस नामक वायरस का पता लगा है। तो आंसर होगा चीन। देखिए, हाल ही चीन के अंदर एक और नया वायरस सामने आया है जिसका नाम दिया गया है हंता वायरस, ठीक है। यहाँ पे युआन प्रांत जो है चीन का, ठीक है, वहीं पर इससे एक व्यक्ति की अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई थी, इसी के कारण ये चर्चा में रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है जो महामारी चल रही है कोरोना की, उसी के अंतर्गत एक और नया चीन में वायरस आ गया है। और वैसे ये वायरस की बात करें, हंता वायरस की, ये क्या है और कैसा कितना खतरनाक है, तो देखिए ये इस वायरस का जो मतलब कि जो मूल जो उत्सर्जन मतलब कि कहाँ से ये जनरेट हुआ है, तो ये हुआ है जो चूहे हैं वहीं से इसका निर्माण हुआ है। इस वायरस को कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये चूहों से निर्माण हो इसका जो है आया है ये वायरस चीन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि ये मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। ये जो चूहे के मलमूत्र होता है उसी के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे ये हंता वायरस मनुष्य में आ जाता है।
बाकी ये एक दूसरे के व्यक्ति के छूने या फिर उससे मिलने से नहीं फैलता, इसलिए ये हंता वायरस कोरोना के अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम हानिकारक है, ठीक है। तो ये ऐसे फैलता नहीं है इसकी तरह, तो ये इतना खतरनाक नहीं है हंता वायरस। इसके लक्षण देखिए, थकान, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना और ठंड लगना, ठीक है, पेट दर्द, ये सारे जो है इसके लक्षण हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध अफ्रीकी व्यक्ति मनु डिबंगो को कोरोना वायरस के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो किसके रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये एक प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक थे, ठीक है, एक प्रसिद्ध अफ्रीकी व्यक्ति थे जो गायक थे, सिंगर और सैक्सोफोन वादक भी थे, ठीक है। चलिए, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 86 वर्ष में उम्र जो है निदान हो गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में 26 मार्च को कोविड-19 पर G20 देशों के वर्चुअल समिट का आयोजन किया जाएगा। तो इस बार इसकी जो अध्यक्षता वो किसके पास है, सऊदी अरब के पास है। देखिए यहाँ पर इस वर्चुअल समिट के अंदर जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी शामिल होने वाले हैं, और देखिए ये जो समिट है एक मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्चुअल G20 लीडर्स समिट है, ठीक है, जो कि किस पर आधारित होगी, जो कोविड-19 है उसी पर ये पूरी की पूरी बेस्ड होगी, इसी के बारे में इसमें जो है चर्चा होगी, जितने भी जो इसके सदस्य देश है उसके बीच में, उनके बीच में, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 परीक्षण किट की बिक्री के लिए CDSCO से वाणिज्यिक स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। तो सही आंसर होगा आपका माइलैब। देखिए जो माइलैब है ये पुणे बेस्ड जो है टेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, और इसने हाल ही में एक किट तैयार की है, परीक्षण किट कोविड-19 के लिए, जो कोरोना वायरस है उसके लिए, उसके परीक्षण के लिए किट तैयार की है, जिसको हाल ही में स्वीकृति, वाणिज्यिक स्वीकृति प्राप्त कर दे, मतलब कि जो CDSCO है इसने वाणिज्यिक स्वीकृति दे दी है, और ये ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो किट मैं बता रहा हूँ कि किट तैयार की जिसको स्वीकृति दे दी है, तो ये किट क्या है और किस तरीके से, मतलब कि इसका वर्क है क्या है? तो देखिए जो माई लैब जो है इसने एक ऐसी परीक्षण किट तैयार की है, मतलब कि जिससे कि परीक्षण किया जाएगा कि जो कोरोना वायरस है उसके रोगियों का, ठीक है, और ये परीक्षण समय 4 घंटे वर्तमान में, सॉरी 2 घंटे इसका जो अभी तैयार की गई है माई लैब के द्वारा, इसका 2 घंटे, वैसे जो मौजूदा प्रयोगशाला में जो परीक्षण किट है उसमें 4 घंटे लगते हैं परीक्षण करने में, ठीक है, कोरोना वायरस का, लेकिन जो इस माई लैब ने जो ये की है किट तैयार, इससे सिर्फ 2 घंटे में जो है ये परीक्षण का रिजल्ट सामने आ जाता है। तो इसको हाल ही मंजूरी दे दी गई है, और इसका जो किट का मूल्य है वो 1200 से 1500 रुपये प्रति परीक्षण के हिसाब से जो है रखा गया है। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा, अब यहाँ पे भारत में काफ़ी सारे जो परीक्षण केंद्र हैं ओपन हो जाएंगे, और इससे काफ़ी राहत मिलेगी भारत को। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 38वें जिले मयिलादुथुराई के निर्माण की घोषणा की है। मयिलादुथुराई ये एक नया जिला जो है बना दिया गया है तमिलनाडु के अंदर, और इसी के साथ आप तमिलनाडु में जिलों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 38, पहले 37 थी, अब कितनी हो गई है, 38 हो गई है। अंतिम जिला जो अभी बनाया गया है मयिलादुथुराई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ, देखिए आपके साथ यहाँ, तो तमिलनाडु जो है इसकी जो फाउंडर डेट है वो 1956 है, और यहाँ पे कैपिटल है इसकी चेन्नई, और 38 डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ पे हो गए हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित है, और मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानी स्वामी, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे अगर लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो 39 हैं, ठीक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। एरिया के हिसाब से 10वां स्थान है, और यहाँ पे डेंसिटी इसकी कितनी है, 550 पर किलोमीटर, और पॉपुलेशन के हिसाब से 6ठा स्थान है इसका। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो ये कर दी गई है 30 जून। देखिए यहाँ पर कुछ डेट्स और जो है जिनमें चेंजेस किया गया है, अब आयकर जो टैक्स भरने की जो अंतिम तिथि है उसको 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा जो आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि है उसको 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो
थ्रेशोल्ड ट्रिगर इंसॉल्वेंसी जो कार्यवाही है इसकी सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। और यहाँ पर जो GST रिटर्न की अंतिम तिथि थी उसको भी जो है अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो करमाफी योजना विवाद में विश्वास के लिए जो समय सीमा थी उसको भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो ये यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं कोविड की वजह से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको भारत में वॉलमार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। तो वॉलमार्ट के नए जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं, समीर अग्रवाल बने हैं। देखिए यहाँ पर जो समीर अग्रवाल जिनको आप यहाँ देख रहे हैं ये वॉलमार्ट के अगले CEO होंगे। इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है, क्रिस अय्यर का लिया है। क्रिस अय्यर इससे पहले थे, ठीक है। जो और ये जो यहाँ पे जो समीर अग्रवाल है ये 1 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है अपना, किस राज्य में तेलुगु नववर्ष दिवस उगाड़ी मनाया जा रहा है। देखिए ये मनाया जा रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक जो नववर्ष के रूप में एक उगाड़ी पर्व मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि जो एक्सट्राडिशन ट्रेटी है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है ये संधि हुई है बेल्जियम के साथ। देखिए जो प्रत्यर्पण संधि है ये बेल्जियम के साथ अभी भारत ने की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करें जो प्रत्यर्पण संधि है ये क्या होती है। देखिए प्रत्यर्पण संधि जो है दो देशों के बीच में एक संधि होती है जिसके अनुसार देश में अपराध करके अगर कोई भी व्यक्ति उस देश में जाकर रहता है तो अपराध से बचने के लिए तो जो है उस अपराधियों को जो है वापस उस कंट्री के द्वारा लौटा दिया जाता है। जैसे कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं जैसे कि पिछले दिनों जैसे कि भारत से कोई भी भगोड़ा बड़े बड़े जो मतलब कि जो करते हैं गफले, ठीक है, विजय माल्या वगैरह थे और वो भारत में गफला करके जैसे कि दूसरे कंट्री में चले जा गए थे, ठीक है, वहाँ पर वो जो कानून है उससे बचने के लिए, ठीक है। यहाँ से तो देखिए ये क्या होता है कि जिन देशों के साथ जो ट्रेटी है हमारी वो नहीं होती, संधि नहीं होती है तो वहाँ पर जो हमारी जो सरकार पुलिस कानून, ठीक है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जिस देशों के साथ संधि होती है ये प्रत्यर्पण संधि, उनके साथ जो है अगर ये संधि है तो आराम से उस भगोड़े को या अपराधी को पकड़ सकती है, ठीक है सरकार। तो यही इसका बेनिफिट है प्रत्यर्पण संधि का, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत अब तक जो है 47 देशों के साथ ये प्रत्यर्पण संधि कर चुका है। अगर इन 47 देशों में कोई भी भगोड़ा भारत का जाता है, भाग जाता है अपराध करके, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पर हाल ही में जो अगर बात करें तो ये जो अंतिम संधि हुई है ये बेल्जियम के साथ हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब तक 62 भगोड़ों के जो है प्रत्यर्पण हो चुका है भारत के, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारी जो क्विज है आज की, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस शहर में किया गया था। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।